राधे शर्त है ज्ञान कर्मा जनावृतम। देखिए वैधी भक्ति में सर्वाभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मा जनावृतम। वैधी भक्ति जो लोग करते हैं वो ज्ञान तप जप वो दास बनाकर रखते हैं, दास बनाकर। लेकिन जो भक्त है रागानुगा भक्ति वाले जो हम लोग हैं वो तप जप व्रत इनका अवलंब नहीं लेते। हम लोग प्योर भक्ति करते हैं क्योंकि वैधी भक्ति वाले इनका अवलंब लेते हैं तो कई बार वो फंस जाते हैं, दास बनाकर नहीं रख पाते और ये जो चीजें हैं ये उस भक्त पर हावी हो जाती हैं। तो वो जो बीच में फिर हावी हो जाती है तो सिद्धियां आ जाती हैं। जब सिद्धियां मिल जाती है तो उसका पतन भी हो जाता है। तो रागानुगा भक्ति में पहली बात सर्वाभिलाषिता शून्यम और दूसरी बात ज्ञान कर्मा जनावृतम। कर्म ज्ञान तपश्चर्या का अवलंब हमको नहीं लेना है, हमको सीधे सीधे भगवान की भक्ति करना है। तो साधन भक्ति माने भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना। अभी हमारा मन लगा नहीं है, साधन भक्ति क्या है? भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना, यानी भगवान का जो कानून है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये साधन भक्ति करना है। जब आप साधन भक्ति करेंगे ना तो साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच में एक भक्ति है भाव भक्ति। साधन भक्ति के ही दो पार्ट हैं, साधन भक्ति भाव भक्ति, ये दोनों एक में आप कह सकते हैं। साधन भक्ति क्या है? भगवान में मन लगाना, मन लगाना, मन लगाना, ये साधना। मन लगने लगा, लगने लगा, लगने लगा, ये भाव भक्ति। साधन भक्ति में लगाना पड़ता है, मन लगाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो मन लगाना, मन लगाना, ये साधन भक्ति। मन लगने लगा, लगने लगा, ये भाव भक्ति। तो जब आप साधन भक्ति में मन लगाने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा, और जब मन लगने लगेगा तो भाव भक्ति के अनुभव आएंगे। भाव भक्ति के अनुभव क्या है? शांति रव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। भाव भक्ति का पहला अनुभव है शांति। शांति माने सहनशीलता।
सही मायने में अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सहनशीलता आएगी। देखिए भाव भक्ति के अनुभव इसलिए बताए जा रहे हैं कि हम सब लोग अपने आप को चेक करेंगे। ये भाव भक्ति के अनुभव सुनने के पश्चात अपने आप का आप निरीक्षण कीजिएगा कि हमको जो अहंकार है, हम 50 साल से सत्संग में हैं, महाराज जी हमारे गुरु हैं, हम उनके सत्संगी हैं, हम इतने पुराने हैं, इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं, तो हमने किया क्या, ये स्वयं निरीक्षण कीजिएगा। तो भाव भक्ति का पहला अनुभव है शांति, सहनशीलता। यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं आप लोग और कोई व्यक्ति पहली बार यहाँ सत्संग में आया और उसने हम सब लोगों को देखा, बड़ा प्रभावित हुआ, अरे इनमें तो क्रोध का नामो निशान तक नहीं है, ये तो सब धर्मात्मा लगते हैं, सब महापुरुष लगते हैं। तो क्या ऐसा है? नहीं। अरे भाई इस समय सात्विक भाव की प्रधानता है, प्रवचन चल रहा है, सत्संग में बैठे हैं, तो क्रोध का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन प्रवचन समाप्त हो जाए, जरा कोई कुछ कह दे, धक्का ही दे दे, अभी चलो अभी हम तुमको बताएंगे, देखो कैसे क्रोध आता। शांति का मतलब क्या है? क्रोध का कारण हो और क्रोध ना आए, कारण हो और क्रोध ना आए, इसको कहते हैं शांति, सहनशीलता। और क्रोध का कारण नहीं है और क्रोध नहीं आ रहा है तो फिर हम सब लोग ही सहनशील हैं, दीन हैं, नम्र हैं। लेकिन क्रोध का कारण हो और क्रोध ना आए, इसको कहते हैं शांति। एक बार एक व्यक्ति, प्राचीन काल की बात है, तब ये ट्रेन और बस और गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, लोग पैदल ही यात्रा करते थे, तो कहीं जा रहा था, दिन भर चला, थक गया, तो अपनी चादर डाल के वहीं पर जंगल में ही विश्राम करने लगा। जंगल में खूब मच्छर उसको काट रहे थे, सोने नहीं थे, नींद नहीं आए, तो हम लोग क्या करते, बड़ा गुस्सा आता कि रात हो गई, इतने मच्छर काट रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो क्या कहता है, अरे भाई यहाँ के मच्छर भी बड़े परोपकारी हैं। ये क्या कह रहे हैं, कबीरा सूता का करे जागो जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना लम्बे पाव पसारी। क्रोध का कारण है, उसे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, अरे भाई यहाँ के तो मच्छर भी बड़े परोपकारी हैं। वो मुझे कह रहे, अरे भाई सो मत, समय मत गवाओ, जागो जपो मुरारी, भगवान का ध्यान करो। तो क्रोध का कारण हो और क्रोध ना आए, इसको कहते हैं शांति। ये पहला अनुभव। दूसरा, अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण का समय भी व्यर्थ ना गवाएं। जिस दिन कीर्तन ना मिले, जिस दिन साधना ना करे, भीतर से छटपटाहट हो, आज का दिन तो हमारा पूरा की पूरा बेकार चला गया, कीर्तन नहीं मिला, कोई साधना नहीं की, भीतर से ग्लानी हो अपने ऊपर,
रहा ना जाए कीर्तन के बिना, साधना के बिना। अगर कोई आपके घर पर मेहमान आ गया, कोई फालतू में बातचीत कर रहा है, तो आपको कैसा लगे? जैसे कोई आपको गोबर का लड्डू खिलाए, मिट्टी का लड्डू खिलाए, हम खाएंगे क्या? इतना खराब लगे, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना कीमती टाइम हम समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा भीतर से लगने लगे, और एक दिन दो दिन नहीं, एक आध दिन तो लगता है जब भीतर से मूड खराब होता है, या किसी से घर में नाराज हो गए, गुस्सा आ गया, तब ये फीलिंग आ जाती है कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं रहते। तो भाव भक्ति का ये अनुभव क्या है? जब आपकी भाव भक्ति पे जब आप पहुंच जाएंगे, तो एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। कीर्तन के बिना रहा नहीं जाएगा, साधना के बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अरे कीर्तन खत्म हुआ, प्रवचन खत्म हुआ, तुरंत बातचीत करने लग गए एक दूसरे से। अरे वो तुम्हें पता है ना, वो उनकी लड़की है ना, हाँ हाँ, अरे चलो हटाओ छोड़ो, क्या करना है बातचीत करके, अरे बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ, अरे देखो वो उनकी लड़की है ना, कभी किसी के सत्संग में नहीं आती, वो दीदी जी लगातार कीर्तन कर रही है, तो हमने स्वयं देखा वो कीर्तन में रोज आ रही है। अरे हटाओ, ये भी तुमने क्या बताया, हमने सोचा कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। ये देखो कितना इंटरेस्ट आता है फालतू की चर्चा करने में, कीर्तन में आई ये कौन सी इंटरेस्टिंग बात सुनाई, अरे हमने तो सोचा वो कहीं भाग गई या कोई भगा के ले गया या उसने शादी कर ली। ये गप्पे मार के समय बर्बाद करते हैं। वैसे तो आप कहते हैं गृहस्थी है, समय नहीं है, जो समय मिलता भी है तो उसको हम बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है तो बैठ के गप्पे ही मार रहे हैं। तो भाव भक्ति का दूसरा अनुभव अव्यर्थ आदत्तम, पहला शांति सहनशीलता, क्रोध का कारण हो और क्रोध ना आए, दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण का भी समय हम व्यर्थ न गवाएं।